सुनो सर्वसाधारण के लिए एक सूचना है, आप सभी लोग उसको ध्यान से सुने। सार्वजनिक सूचना, जिला मजिस्ट्रेट जनपद मऊ को। सर ये किस तरह की कार्रवाई है? ये अभी आपने एक देखी थी, अभी सड़क पे हराजी नंबर 2514 में कुल हुआ था, उसी हाजी रफीक टाइगर की संपत्ति है, उनका ये 4 मंजिला भवन पठान टोला में है। ये भी गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कल कुर्क करने का आदेश दिया गया है, तो उसको कुर्क किया गया और एक मकान अभी और इनका आगे पहले भी कुर्क हुआ है, उसका हिस्सा जितना इनका था वो कुर्क किया गया। तो कुल आज 3 संपत्तियाँ इनकी कुर्क की गई हैं, एक अराजी नंबर 221 और 2 भवन। उसकी लागत क्या होगी सर? कुल 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी, बाजारों मूल्य तीनों की। सुनो सर्वसाधारण के लिए एक सूचना है, आप सभी लोग उसको ध्यान से सुने। सार्वजनिक सूचना, जिला मजिस्ट्रेट जनपद मऊ 2023 द्वारा वार्ड संख्या 148/2023 सरकार बनाम हाजी रफीक अहमद और टाइगर अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश की ओर बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में अभियुक्त हाजी रफीक अहमद उर्फ टाइगर पुत्र हाजी वकील अहमद निवासी पठान कस्बा व थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के द्वारा मौजा सारहू तहसील सदर जनपद मऊ में अपराध द्वारा अर्जित अवैध धन से क्रय की गई संपत्ति अराजी नंबर 221 रकबा 57 कड़ी को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुर्क किया जाता है। चला रहा होगा, आवाज रिकॉर्ड हो गया। हेलो, क्या बात है? क्या लग रहा है आप तो शायर भी थे? ये दुष्यंत कुमार साहब ने 1964 में कौन वाला पहना था?